प्रभु के महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सुंदर दिन को देखने के लिए दिया, उसने प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सही सलामत रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के बीच में होगा और परमेश्वर अब तक आपको संभाल के रखा, उसने प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। आइए हम लोग सबको आंखों को बंद करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की वचन के द्वारा तू बातें कर, हर एक को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। तू दया, तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे तू दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तू हमारे बीच में बातें कर प्रभु जी। जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता। उनकी हर एक समस्या को यीशु नाज़री के नाम से तो दूर कर दे प्रभु जी। रिखांदलाबा शुदुलुकुरिया, शांति का परमेश्वर, खुद यहाँ पर तू विराजमान होके इस जगह में अपने पितामेश्वर, अपने दास दासी के ऊपर अपने नियंत्रण को बना पितामेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर पिता। प्रभु जी तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया था, धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक गाने को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ज्यादातर ये गाने हम सब कोई सुन चुके हैं मेरे वीडियो में, और बाकी भी आप सुने चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम मिलके इस गाने को फिर से और दोबारा हम लोग इस गाने को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। मेरे संग संग चलते यीशु जी तूफानों में, मेरे साथ साथ रहते यीशु जी वीरानों में, मेरे संग संग चलते यीशु जी तूफानों में, मेरे साथ साथ रहते यीशु जी वीरानों में। मैं चलता जाऊं, मैं लड़ता जाऊं, मेरा हाथ थामे जब रहते संग चलते यीशु जी तूफानों में। चाहे आग लाठी में हो करके मैं जो चलूं, संग है जब यीशु मेरे शोले से मैं ना जलूं। चाहे आग लाठी में के मैं जो चलूं, संग है जब यीशु मेरे शोले से मैं ना जलूं। रब खुदा खुदा मुझ पर सबक से रहम करे, मैं घटूं घटता रहूं मुझ में बढ़ते रहे, मुझ में बढ़ते रहे संग चलते यीशु जी तूफान में। चाहे मौत के साए की वादी से होकर चलूं, संग है जब खुदा मेरे हानि से मैं ना डरूं। चाहे मौत के साए की वादी से होकर चलूं, संग है जब खुदा मेरे हानि से मैं ना डरूं। आपके सोते लाठी से
चांदनी मुझको मिली, आपको पाया जो खुदा नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, संग संग चलते तूफान में साथ रहते यीशु जी, तूफान में यीशु जी, विराम में यीशु जी, तूफान में। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे, उससे पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नियंत्रण में ले लेंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज की इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर पिता, और जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे तू दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा दया तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, ओ रिखा राबा शांदा लिया राबाला सुदोलो घुरिया अंदाला वाला वा सुदोलो घुरिया, तू दया से प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है और तेरा दया हमारे लिए असीम है पितामेश्वर। ओ रिखांदा लाबा सुदोलो घुरियारा, आज पिता जिस टॉपिक के लिए तू हमसे बातें किया पिता, तेरे लोगों के लिए जो वचन को तूने पेश किया पिता मेश्वर, तेरे लोगों के लिए उस मानना को तूने पेश किया पिता मेश्वर, आत्मिक पिता आहार के लिए पिता आज के दिन में उस वचन को तू दे पिता। जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे पिता, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, यीशु नाज़री के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन को यीशु के नाम से बदल दे प्रभु जी। प्रभु जी इस वचन को सुन के उनके हृदय परिवर्तन होने पाए, उनके हृदय को तू परिवर्तन कर दे यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। मेरी दुआ मेरी प्रार्थना को तू कबूल कर ले प्रभु जी। जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे पितामेश्वर, उनके अंदर से उनके जीवन परिवर्तन होने पाए पितामेश्वर, ऐसे तू दया कर अनुग्रह कर पितामेश्वर। रिखारा बा खंदला बा शुद्धुलु कुरियारा, बोले वाले मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तू बोले पिता, और तेरी महिमा इस जगह में होने पाए, इस जगह में होने पाए। दया कर अनुग्रह कर पिता, सामर्थ्य पर परमेश्वर इस जगह में तू कार्य कर पितामेश्वर। इस वीडियो के माध्यम से हर एक जगह में, दुनिया के कोने कोने में पितामेश्वर, जब ये वीडियो को देखे पिता और प्रार्थना में बड़े पितामेश्वर की जो तू कार्य कर पिता, दया कर अनुग्रह कर। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, ग्रहण किया है, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सुंदर दिन को दिया और परमेश्वर आज आपको सही सलामत रख के आज आप वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अब तक आपके शरीर में आपके बॉडी में अपना वो जीवन का श्वास को आपके जीवन से नहीं छीना। हालेलुया, नहीं छीना आपसे। हालेलुया, कल ही मैंने ये खबर सुना, न्यूज में सुना कि हमारा इस साइड में एक बस उलट के 8 लोग इंजर्ड और 2 लोग का क्या हो गया, मौत हो गया। हालेलुया, इतने सेफ्टी हाईवे में क्या हुआ, फिसल एम्बुलेंस होके गाड़ी उलट गया। आज परमेश्वर आप जाना आना, आपका गाड़ी में आप जा रहे, कहीं पर जा रहे, साइकिल में जा रहे, कहीं पे भी जा रहे, परमेश्वर आपका हर एक विषय में आपको क्या किया है, प्रोटेक्शन दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, मगर इतना जानता हूँ जो लोग, हालेलुया, मैं देखने के बारे नहीं, समझने के बारे, फॉरवर्ड के बारे नहीं, जो लोग वचन को अपने जीवन में लगाता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लगाता है, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। उनके हृदय को प्रभु क्या करता है, चेंज करता है, और उनके हर एक मनोकामना को प्रभु क्या करता है, पूरा करता है। अगर आप शारीरिक कष्ट में हैं, अगर आप मानसिक तनाव में हैं, आपके परिवार में कार्य दुष्ट आत्मा का काम हो रहा है, या आपके परिवार में शांति नहीं, हर एक चीज से प्रभु क्या करेगा, जब आपका जीवन में वचन घुसता है, आपके हृदय में वचन घुसता है, आप वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर क्या करता है, बहुत आय से आपको आशीषित करता है मेरे प्रियो।
शानदार लिया रा खला बाशुदुल्लू को लिया रा। वही परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। ओ मैं नहीं जानता परमेश्वर आज मेरे को सुबह में जब इस आज का वीडियो के लिए मैं जब बना रहा था तो प्रभु ने मुझको कुछ वचन को आप लोगों के बीच में रखने के लिए कहा, और वो वचन आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए किस प्रकार का है, हम किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या काम करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन हमारे लिए, वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लिए कितना महान है। हालेलुया। आज इसको देखेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितने लोग आज छोटे बड़े में से छोटे बुजुर्ग जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इतना बात बताता हूँ, प्रभु ने हीलिंग को भी रखा है, प्रभु ने भविष्यवाणी को दिया है, प्रभु ने अन्य भाषा को वरदान को भी दिया है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए शक्ति भी दिया है। हर एक वरदान अपने जगह में जरूरत है, मगर सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर का वचन को देंगे। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में आ जाता है तो आपके जीवन में हीलिंग आता है, ये वचन आपके जीवन में रहता है आपके जीवन में प्रोफेसी आता है, ये वचन आपके जीवन में रहता है तो अन्य भाषा बोलते हैं, ये वचन आपके जीवन में रहता है अन्य भाषा ट्रांसलेट प्रभु आपको देता है। हालेलुया। हर एक विषय वचन के द्वारा ही आरंभ होता है, और परमेश्वर हम लोग वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। आज मसीह समाज में वचन को त्याग करके इंसान क्या कर रहा है, हीलिंग के पीछे दौड़ता है, भविष्यवाणी के पीछे दौड़ता है। दौड़िए मना नहीं है मेरे प्रियो, मगर आपको वो दौड़ देना है, वो रनिंग को करना है, उस दौड़ में आपको बढ़ना है कि परमेश्वर का वचन मैं बहुतायत से अपने जीवन में रखूं। हालेलुया। और यही वचन आपको क्या देगा, उद्धार देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन ही आपको उद्धार देगा। मतलब उद्धार प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके ऊपर है, उसको आप पालन करते हैं, उसको मानते हैं, उसको सुनते हैं तो आपके जीवन में उद्धार है। हालेलुया। हीलिंग में उद्धार नहीं, भविष्यवाणी को उद्धार नहीं, ये परमेश्वर अपने कार्य को अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए गुण को दिया है, वरदान को दिया है। हालेलुया। मगर असली साम्राज्य कब फलता है, जब हम वचन को अपने जीवन में रखते हैं, तब वो द्वार खुलता, स्वर्ग का द्वार खुलता आपके लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। भजन संहिता 91 सब कोई जानते हैं, 91 हम लोग 7 से उसका 12 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, ना आएंगे। आज सॉरी 91 बोल रहे हैं, सॉरी 19 को, भजन संहिता 19 का 7 से हम लोग 7 से 12 का पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, क्या है यहोवा की व्यवस्था, क्या है खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कैसा है मेरे प्रियो, यहोवा का व्यवस्था क्या है, खरी है। आज लोग परमेश्वर का वचन को जब सुनते हैं तो उसको एक चोट के समान लगता है, क्योंकि वचन क्या करता है, आपके जीवन में बातें करता है। आज आप बाइबल को देखते हैं तो ये दर्पण के समान होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और दर्पण क्या करता, आपके चेहरे के स्पॉट को, दाग को दिखाता है। इसी तरह परमेश्वर का वचन क्या है, खरी है। हालेलुया। आज बहुत सारे प्रीचर निकल गए हैं, भविष्यवक्ता निकल गए हैं, आपको वचन आपको ब्लेसिंग के बारे बताता है, मगर वचन क्या है, खरी है। याद रखिए परमेश्वर का वचन खरी है, जो खराई में चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। जब आपको डांट पड़ता है परमेश्वर के वचन से, तब आपका हृदय आपका मन परिवर्तन होता है। और डांट आपके जीवन में नहीं है, आपका माँ बाप आपको शासन नहीं करता है, तो वो बेटा भविष्य में हो कि उसका बेटा बेटी क्या हो, तो बर्बाद होते हैं। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं वो प्राण को
बहाल कर देता है, प्रफुल्ल करता है। हालेलुया। खरी बात को सुनेंगे तो आप सुधरने का चांस मतलब 100% बढ़ जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आशीष का वचन प्रभु कार देगा, वचन देगा, ये वो देगा। सच बात है, प्रभु आपको आशीष देगा, मैं उसमें भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, आशीष भी है। तो ये आशीष देने वाला भी परमेश्वर है, और खराई से अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो क्या करता है, हमको सीधी राह पे भी ये वचन हमको लेके जाता है। हालेलुया। और ये प्राण को क्या करता है, बहाल करता है, तंदुरुस्त करता है। परमेश्वर का वचन आपका आत्मा को क्या करेगा, तंदुरुस्त करेगा। हालेलुया। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको तंदुरुस्त बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको तंदुरुस्त बनना पड़ता है। इसलिए वचन कहता है वो प्राण को क्या करता है, बहाल कर देता है, देती है। यहोवा का नियम विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था को दिया है, जो वचन को दिया है, उसको पालन करेंगे वो विश्वास योग्य, तो उसको धोखा नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और वो ही यीशु मसीह को जो पकड़ता, मतलब उसके व्यवस्था को पकड़ता है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वो गारंटी देता है कि विश्वास योग्यता हमारा परमेश्वर है, और वचन विश्वास योग्यता है, वो धोखा नहीं देगा। हालेलुया। उसका वादा है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है, प्रभु उसको क्या करेगा, आशीष करेगा। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आज मूर्ख लोग, मैं किसी के बारे सुन रहा था, हमारा इस साइड में संबलपुर में हीराकुद बोल के एक जगह है, और हीराकुद ज्यादातर बाहर से अगर है तो मैं बताना चाहता हूँ, हीराकुद बोल के संबल आप सुने रहेंगे, डैम के बारे सुने रहेंगे, हीराकुद डैम। उसी समय एक लेडीज थे और वो अंगूठा छाप थे, शराब, यहाँ के ट्रेडिशनल आदिवासी लोग क्या कहते, शराब हांडिया पी के गलत रास्ते में चलने वाले एक लेडीज था, जो अंगूठा छाप था उसको पढ़ने लिखने में नहीं आता था। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर का वचन ने उसको क्या किया, परमेश्वर का वचन क्या है, आत्मा, याद रखिए, वही परमेश्वर का आत्मा क्या किया, उसको ज्ञान दिया। कैसे ज्ञान दिया, पवित्र आत्मा उसको, अंगूठा छाप आदमी अब इंग्लिश बोलने शुरू कर दिया, गड़गड़ा के इंग्लिश बोलने शुरू कर दिया। हालेलुया। गड़गड़ा के हिंदी बोलने शुरू कर दिया, उसको हिंदी ओड़िया उनको सिद्ध सादरी भाषा आता था, क्योंकि वो गांव का लेडीज था, मगर प्रभु ने ऐसा बुद्धि का ज्ञान दिया उसको, वो इंग्लिश धड़धड़ा के बोलने लगा। इसी तरह परमेश्वर का वचन क्या करता है, साधारण लोगों को क्या करता है, बुद्धिमान बना देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन किस प्रकार का है। हालेलुया। टॉपिक को हम लोग इसी को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए किस प्रकार का है, आपको क्या लाभ देता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग नीचे में देखते हैं, यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों को ज्योति ले आती है। हालेलुया। आज मनुष्य पाप में डूब गया है, उसके आंखों में सिर्फ व्यभिचार दिखता है, गंदे विचार आते हैं उनकी आंखों से, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वो साफ है। हालेलुया। हृदय को आनंदित कर देता है, वो क्या करता है, हृदय को आनंदित करता है। मेरे प्रियो, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। आज आंख खुल जाता है जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब आप गहराई में घुस रहे हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को जान के भी आप अनजान बन रहे हैं, मगर आपके पास वचन नहीं है, आप गहराई में डीपली क्या कर रहे, गड्ढे में घिरते जा रहे हैं, मगर यही वचन क्या करेगा, आपकी आंखों को ज्योति खोल देता है। हालेलुया। और आप उस गड्ढे फन को देख सकते हैं, जगत की गंदगी से आप बच सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ज्योति के समान भी है। हालेलुया। और हम लोग नीचे पढ़ते हैं, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। और हम लोग नीचे भी पढ़ते हैं, वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भरी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्र से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। कैसा है हमारा परमेश्वर का वचन, मधु से भी क्या है, बढ़ के है। हालेलुया। कोई भी बोलता है परमेश्वर का एक बहुत खराई से बात करता है पास्टर, मैं अपने बारे नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पास्टर है जो बहुत सारे प्रभु के दास है, खराई का बात बोलते हैं, वो खराई का बात ही
मधु है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आपका अभी आपको चोट लग रहा है, अभी आपको दर्द दे रहा है, मगर अंत में वही खड़ा वचन आपको उस स्थान में ले जाएगा, वही मिठास आपको वहां पर मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका आत्मा को बचाने के लिए वो खड़ा वचन हर एक इंसान के लिए चाहिए। हालेलुया। ज्यादातर हमारा मसीह लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए नहीं। हालेलुया। मगर वो खराई वचन हमारे मसीह लोगों के लिए चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज का मसीहत क्या हो गया है, पीछे चला गया है। हालेलुया। आज का जनरेशन क्या हो गया है, मसीह लोग कान में क्या पहन जा रहे, कान में क्या बोलते उसको, कान में कान का रिंग, नाक में, लड़के लोग पहन रहे, यस ठीक है ना, लड़के लोग कान का रिंग, नाक में, ठीक है ना, आजकल जवान भाई बहन लोग ऐसी इसी तरह से हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं मूसा के नूह के समय में भी आदमी क्या करता था, अपने लिंग को बदल रहा था, मतलब अपने जेंडर को, मतलब वो पाप में ऐसे गिर रहे थे कि वो अपने आप को इसी तरह से कर रहे थे। लड़की लड़की क्या कर रहे, लड़के के भैंस को पकड़ ले रहे हैं। हालेलुया। तो आज इस तरह से मसीह समाज में, ज्यादातर मसीह समाज में क्या हो रहा है, गंदगी में घुस रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं क्या, यहोवा वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, सबसे ज्यादा, मतलब उसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, इतना सुंदर है वचन। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते के भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। छत्ते मतलब मधु का आप स्वाद को शायद बहुत, मतलब 99% लोग ही, 1% 1% भी नहीं, मतलब बहुत कम लोग ही दुनिया में होगा कि जो मधु नहीं खाया होगा। सब कोई खाए हैं, हनी को सब कोई खाए हैं। उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर का वचन क्या है, मिठास है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर खराई से बात करता है, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे खराई से बात करता है मेरे प्रियो। अब वो खराई ही आपके लिए मीठापन है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब माँ बाप अपना बेटा को शासन में लेते हैं, जब वो बेटा उस शासन में भय से अपने मम्मी पापा का बात को मानता है, तो वही बेटा बाद में खड़ा होकर क्या कहता है, बड़ा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है और ऊंचा पदवी में रहता है। उसी तरह परमेश्वर भी अपने बेटा बेटी को क्या कहता है, खराई से बात करता है, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं उसको खराई से बात करता है। और खराई वाले लोगों क्या होता है, खड़ा होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको खड़ा कर देता है। अब परमेश्वर क्या करता है, जगत में उसको मान सम्मान बढ़ता है, उसके साथ साथ उसको स्वर्ग लोक में भी परमेश्वर क्या करता है, एक स्थान को देता है। हालेलुया। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, और 19-13 दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। दास को उस मधु वचन से ही आपको क्या करता है, उसके दास लोगों को, उसके विश्वासी लोगों को क्या करता है, चेताता है, चेतावनी देता है परमेश्वर। और चेतावनी को जो पालन करता है, भय से प्रभु को चेतावनी को मानता है, वो उसको क्या मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिफल मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरी गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। आप हम जो पाप करते हैं, छुप छुप के पाप करते हैं, किसी को बोलने के लिए हमको शर्म लगता है, कोई पास्टर को बोलने के, पास्टर जी मैंने ये पाप किया है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इस पाप के लिए भी आप क्षमा माफ है, जो आप नहीं बता पाएंगे, मगर परमेश्वर उस गुप्त पाप को भी आपको क्षमा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उस गुप्त पाप से भी क्या करता है, परमेश्वर आपको क्षमा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, आज हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को प्रेम करता है। हालेलुया। उसे दाऊद कहता है, हम लोग भजन संगीता 1:2 में पढ़ते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। उड़िया में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वो लोग धन्य, यस हालेलुया, वो लोग धन्य है। उड़िया में हम लोग पढ़ते हैं, जो दिन रात परमेश्वर का व्यवस्था को ध्यान करता है वो लोग धन्य है। धन्य किसे कहा जाता है मेरे प्रियो, धन्य उसे कहा जाता है जो परमेश्वर का आशीष को लाभ उठा चुका है, उसको मिल चुका है उस लाभ को। आज आप आशीषित होना चाहते हैं, आज मैं आपको आशीषित वचन देता हूँ कि आज आप आशीषित होना चाहते हैं, हाँ खराई वचन है, मगर आपको आशीष को पाना चाहते हैं तो उसके वचन को आपके जीवन में लेना पड़ेगा। हालेलुया।
वचन को लेना मतलब ये नहीं कि मैं उसको रट के पी लूं, ठीक है ना, रटना अलग बात है, उसको दिमाग में लगाना अलग बात है, उसको पालन करना, हालेलुया, सुनना समझना अलग है, करना अलग होता है मेरे प्रियो। वचन को सुन के पालन करना ही परमेश्वर का राज्य को फैलाना है, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के उसकी आज्ञा में अपने जीवन को चलाते हैं तो यही आपके लिए क्या बनेगा, एक द्वार को आपके जीवन में खोल देगा प्रभु, हालेलुया। उस द्वार आपके लिए ऐसा खुलेगा कि कोई आपका उस द्वार को बंद नहीं कर पाएगा, हालेलुया, कोई भी नहीं, संसार का हर एक ताकत आपको हिला नहीं पाएगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आज के वचन में हम लोग यही सीख रहे हैं कि प्रभु का वचन ही क्या है, सबसे ऊंचा है, जो उसको पालन करता है, जो उसको आज्ञा को मानता है, उसके लिए क्या होता है, मधु से भी मीठा होता है, और उसके जीवन में निश्चय निश्चय 100% में लिख के दे दूंगा अगर आप बोलेंगे, अगर इसके अनुसार आप अपना जीवन को चलाते हैं तो मैं आपको बॉन्ड सेंक्शन कर दूंगा कि ऐसा व्यक्ति को प्रभु आशीष, कौन व्यक्ति को, जो वचन को सुन के उसकी आज्ञा में चलता है उसके जीवन में आशीष आशीष है, वो कोई से भी वो आशीष आपके जीवन से नहीं हटेगा, क्योंकि वचन ही आपके पास मतलब परमेश्वर ही आपके पास रह जाएगा मेरे प्रियो, हालेलुया। और वचन आपके पास रह गया, परमेश्वर आपके पास रह गया, हर एक मुसीबत हर एक बीमारी हर एक चीज से प्रभु क्या करने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है मेरे प्रियो। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रख दे, आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को बोल दे कि प्रभु आज से मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करूंगा, आज से मैं अपना जीवन को वचन में अपने आप को आधारित कर दूंगा, प्रभु तेरे वचन के स्वरूप में कर लूंगा अपने आप को, परमेश्वर आपके जीवन में खुश होगा, परमेश्वर ये स्वभाव को देख खुश हो जाएगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आज्ञा को माने, यीशु मसीह भी यही सिखाने आया था, पिता की आज्ञा को मानना, हालेलुया, आज्ञा को माने, और प्रार्थना भी सिखाया, हालेलुया, जैसे तेरी इच्छा हो ऐसे इस जगत में भी तेरी इच्छा को क्या करे, तेरी जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है उसी तरह जगत में भी तेरी इच्छा पूरी हो। जब क्रूस में प्रभु यीशु मसीह पहले से जानते मैं क्रूस में जाने वाला हूँ, मगर फिर भी वो कहता है हो सकती है प्याला को मेरे नजर से हटा मगर तेरी इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर की इच्छा हम कैसे पूरे करेंगे, इस वचन में आपको मिल सकता है, हालेलुया, पढ़िए इसको, हालेलुया। ये कोने में सजाने वाला चीज नहीं है मेरे प्रियो, इसको शोरूम मत बनाइए, इसमें धूल जमने मत दीजिए, इसको फटना चाहिए, किताब पढ़ पढ़ के घूमना जैसा लगना चाहिए, हालेलुया, तब ये असली वचन आपके जीवन में प्रवेश करेगा, हालेलुया। और संसार का जितने भी लोग आपको भरमाए, आज भरम किस लिए जा रहे लोग, हालेलुया, आज भरमा किस लिए जा रहे लोग, उनके जीवन में वचन की कमी के चलते वो भरम जा रहे हैं, भरमा जा रहे हैं, इसलिए वचन को आपके जीवन में लखाना है, आपके जीवन में पैदा करना, बार 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 रिपीट एंड रिपीट करना है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें और यहाँ पर ही हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। जीवित परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आज जो वचन तूने हमको दिया उस वचन के द्वारा तुम सबको आशीषित किया दिया तक धन्यवाद देते हैं, 30 गुना 60 गुना 100 गुना तूने आशीष कर दिया तक धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लिखा राबा खानदा लाबा शुद्ध लो खोरी बांगा राबा लाबा शुद्ध लो खोरियारा रिखांदा लाबा शुद्ध लो खोरी अंदा लाबा रिबा लाबा 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 शुद्ध लो खोरी अंदा लाबा खमान नौरिया रबा लाबा शुद्ध लो खोरियारा पिता मिश्र जितने लोग बीमार में पड़े उनको चंगा कर दिया, जितने लोग पिता मिश्र घरेलू मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम में उनको चंगा कर दिया, रिखांदा लाबा शुद्ध लो खोरियारा होरी मंदा लाखिया रबा लाबा सीधे रिखारा हालेलुया 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 सीधे रिखांदा लाबा लाबा शुद्ध लो खोरिया प्रभु का आत्मा दिखा रहा है सीधे रिखरा वेद व्यास में हो रिखांदा लाखरिया वेद व्यास में ओ रबंगा दरियारा मीरा बोल के एक नाम का ओ रिबान दरियारा मानसिक उनकी स्थिति को
और रेखा रबा सदुरी खरा मानसिक स्थिति में बदला हुआ है। हालेलुया प्रभु कहता है सुदुरु कुरियरा मेरा और रेखा रबाला मैं तुझको चंगा करने वाला हूँ, तेरे हृदय को मैं बदलने वाला हूँ, तेरे सारे मानसिक स्थिति को मैं बदलने वाला हूँ, तुझको मैं संपूर्ण रूप से चंगा करने वाला हूँ। सिदेरी खरा मंदोलिया रबाला पिता मिश्र हर एक जीवन में तू कार्य कर पिता मिश्र, हर एक को तू चंगा कर पिता मिश्र, तेरी महिमा होने पाए पिता मिश्र, दया कर अनुग्रह कर पिता मिश्र। रिक बाबा बा सुदुलु कुरियरा रिमांडुलो रबाला बा सुदुलु कुरियरा हालेलुया हालेलुया। पिता मिश्र हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन की तूने हमसे बातें करने धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुने पिता उनको तू आशीषित कर दिया पिता, उनकी बीमारी को तू चंगा कर दिया पिता, ते धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फैलाइए परमेश्वर के वचन को फैलाइए मेरे प्रियो, और जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके उनके लिए मैं यही बात करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ना ही मुझे लाइक चाहिए, ना ही मुझे सब्सक्राइब चाहिए, मुझे चाहिए वचन फैलना चाहिए, परमेश्वर का वचन चारों तरफ फैलना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें।